वो सर ये बताइए, बाजार को कैसे देख रहे हैं इस समय, इस पूरी हलचल के बीच में? क्योंकि इस समय आपका कमेंट, आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल बाजार के। मार्केट तो एज ऑफ नाउ नो डाउट सेल ऑन राइज ही लग रहा है, अनलेस एंड अंटिल कल आरबीआई की मीटिंग का जो एक फैक्टर इन होता है। प्रोबेबली अगर आरबीआई में 50 BPS का हाइक आता है तो वो कहीं ना कहीं, ये जो 2-3 दिन का फॉल आया है वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुका है। 75 BPS का हाइक आता है जो कि चांसेस थोड़े कम है, बट हो सकता है कि आरबीआई एक एग्रेसिव स्टेप ले ले एक बारी में, रादर देन वेटिंग कि हम नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स और देखे, कंपनीज वगैरह के जीडीपी ग्रोथ देखे। सबसे बड़ी बात तो 75 BPS आता है तो थोड़ा सा जर्क लगेगा, ज्यादा जर्क नहीं लगेगा। मेन बात रहेगी कमेंट्री पे, जीडीपी ग्रोथ पे, इन्फ्लेशन पे। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें हैं कहाँ पे नजर रहेगी। सर, इन चीजों से के अलावा कुछ एक फैक्टर्स हैं, या हम ये समझे कि हम ऑलमोस्ट बेस बना रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता है, अगर मैं कहूँ तो? क्या ठीक कह रहा हूँ? आई वोंट थिंक कि अभी प्रॉपर एक बॉटम बेस बना है। इफ यू लुक एट द चार्ट, अगर मैं अभी भी आज भी निफ्टी का चार्ट देखूं और प्रोबेबली ऑन अ डेली बेसिस, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक गैप अभी भी बचा हुआ है जो कि 16,600 के नीचे है। प्लस उससे भी सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको कैंडलस्टिक चार्ट करेंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट बैक टू बैक 5 दिन से ये लोअर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है। जो भी प्रीवियस डे लो बनता है ये उसको ब्रेक कर देता है, फिर प्रीवियस डे लो बनता है फिर उसको ब्रेक कर देता है। तो ये एक काइंड ऑफ अ नेगेटिव सेंटिमेंट है कि अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रहा है तो एफआईआई अभी भी सस्ते के मूड में, बेचने के मूड में, एज इन आई शुड से। तो प्रोबेबली मेरा जो इंस्टांस रहेगा, अभी थोड़ी सी वीकनेस है, कहीं पर एक छोटा सा सिग्नल मिले, क्योंकि अगर हम आज वीकली और मंथली एक्सपायरी पर है तब भी शॉर्ट कवरिंग आने के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप कल भी देखेंगे मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर की तरफ गया, गैप फिल करा, वापस से एफआईआई की सेकंड हाफ में सेलिंग आ गई। सेम चीज अभी हुई, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई, आज मार्केट गैप अप खुला, वापस से पुल डाउन आ गया। तो हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा। जहां यहां पर एक बार सस्टेन करेगा, थोड़े से वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, एज इन मार्केट वी कैन से मार्केट एक न्यूज का वेट कर रहा है और वो न्यूज प्रोबेबली कल ही आ सकती है। ठीक है, तो मार्केट एक खबर का इंतजार, और वो खबर कल शायद आ सकती है। आरबीआई गवर्नर्स क्या बोलते हैं शक्तिकांता दास, उनके कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर, साथ ही साथ फिर बैंक निफ्टी पे लेवल्स क्या देख रहे हैं, और वहां पे कहाँ सपोर्ट दिखता है या कौन से लेवल्स पे नजर रहेगी, अगर कल की खबरों को देखते हुए ध्यान दें? बैंक निफ्टी में जो हम लोग जैसे डेली लेवल्स निकालते ही हैं, और बीइंग अ ट्रेडर आई वुड सजेस्ट एवरीवन, आप कुछ मत करो। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हो वेल एंड गुड, जो भी हमारे सारे दर्शक हैं, डेली एक ना एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स तो निकाल लेने चाहिए। एक ब्रॉडर व्यू जो होता है ना मार्केट का, उसका आइडिया हम लोगों को लग जाता है। तो यहां पर बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। अगर मैं मंडे की बात करूं, लो टूटा, फिर उसके बाद ट्यूसडे को लो टूटा, फिर वेडनेसडे को, इवन आज भी लो टूट गया। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए, थोड़ा सा कल के प्रीवियस लो के लेक के ऊपर क्लोज हो जाए। बट अगर बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करूं, इनडायरेक्टली 37,400 एक गुड सपोर्ट है नो डाउट, बट नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे लग रहा है दैट इज 37,000, उसके नीचे एक छोटा सा गैप है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, हो सकता है वो गैप फिलिंग आए। और नेक्स्ट सपोर्ट जो उसके बाद जाएगा दैट इज 36,300। तो ये सपोर्ट लेवल्स हैं, और आज हम ऑलमोस्ट अगर कहें कि डे लो की तरफ ही चल रहे हैं या उसी के आसपास काम कर रहे हैं, जो थोड़ा सा और ज्यादा एंजाइटी बढ़ाता है, थोड़ा परेशानी बढ़ाता है।